सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर सख्त रवैया अपनाते हुए रोक लगा दी। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर पर रोक लगाई है। इसके साथ ही इसके महिमा मंडन को भी बंद करने के आदेश दिए, जिस पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये फैसला तानाशाही रोकने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांचीराम भाजपा की सस्ती लोकप्रियता वाली बुलडोजर नीति के धुर विरोधी रहे। इससे कार्यपालिका द्वारा संविधान में वर्णित शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अतिक्रमण होता है और साथ ही नागरिकों के संपत्ति के वैधानिक अधिकार का अतिक्रमण भी। उन्होंने आगे कहा कि हमने कभी भी किसी भी मामले में किसी पर बुलडोजर की कार्यवाही की मांग नहीं की। हम अवसरवादी नहीं हैं, न्याय अन्याय की लड़ाई जाति धर्म से ऊपर उठकर लड़ते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला तानाशाही को रोकने वाला है, हम फैसले का स्वागत करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा, अगले आदेश तक कोर्ट की इजाजत के बिना किसी निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकारों को बुलडोजर की कार्रवाई पर निर्देश देते हुए कहा कि इसका महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सभी विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर की राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया और इनके तमाम कार्यक्रमों में इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे सरकार को बेनकाब करने वाला फैसला बताया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कोर्ट अगली सुनवाई में बुलडोजर एक्शन के बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। कोर्ट की ओर से आगे बुलडोजर की कार्रवाई पर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया कि कोई केस कोर्ट में होने के बावजूद बुलडोजर के जरिए घर ढहाए जा रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।